देखो दोस्तों, आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जो पहला T20 मैच खेला जाएगा, उस मैच में आप ग्रैंड लीग की टीम काफी अच्छी बना सकते हो और अच्छी रैंक भी ला सकते हो। लाना कैसे वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वाला मैच खेला जाएगा सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफेस्ट के ग्राउंड के ऊपर। 9 अगस्त को रात को 8 बजे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार। सबसे पहली बात दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आज से ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वहीं दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक याद से कर दीजिएगा। आपके लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है, और लाइक कर दो यार, लाइक करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट और पिच बिहेवियर के बारे में। देखो दोस्तों, ये वाला मैच खेला जाएगा सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफेस्ट के ग्राउंड के ऊपर। अगर दोस्तों इस ग्राउंड की पिच की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम डोमिनेट कर सकती है। ऐसा दोस्तों मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर अब तक T20 इंटरनेशनल के 21 मैच खेले गए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 8 और सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने 13 मैच जीते हैं। एंड दोस्तों, थोड़ा बहुत यहाँ पे सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम डोमिनेट कर सकती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें 21 मैचों के अंदर स्कोर पैटर्न की, तो 150 से नीचे स्कोर 14 बार बनाए, 150 से 169 स्कोर 2 बार बनाए, 170 से 179 के बीच में स्कोर 4 बार बनाए, और 190 प्लस स्कोर 1 बार बनाए। अब दोस्तों यहां से आपको लग रहा होगा कि पिच यहां पर काफी हद तक बॉलिंग को फेवर करती हुई दिखी है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले कुछ मैचों के अंदर पिच ने बैट्समैन को भी फेवर किया है। तो ओवरऑल दोस्तों मान के चल सकते हैं कि ये वाली पिच आपको बैलेंस पिच देखने वाली है। एक चीज और बताऊं दोस्तों, यहां पर जो आयरलैंड की टीम है उसका बॉलिंग अटैक काफी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको लो स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, और अगर दोस्तों आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिल सकता है। इस ग्राउंड के ऊपर दोस्तों लास्ट मैच खेला गया था 22 जुलाई 2022 को आयरलैंड वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच, जिसके अंदर आयरलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते 174 रन बनाए थे 6 विकेट पे, और न्यूजीलैंड ने 180 रन बना के 6 विकेटों से मैच जीत लिया था। अगर दोस्तों इस मैच में हम बात करें फास्ट वर्सेस स्पिन की, तो पहली इनिंग में फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर को 2 विकेट मिले थे, और दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिला था। वहीं दोस्तों उस मैच में आयरलैंड की तरफ से पॉल शिल्डिंग ने 40, एंड्री बलबरी ने 10, लोरकन टकर ने 28, हैरी टेक्टर ने 23, मार्क आदिर ने 37 रन कोई विकेट नहीं, क्रेग यंग को 2 विकेट, जोशुआ लिटल को 1 विकेट और जोश डोकरेल को 1 विकेट 10 रन मिले थे। तो दोस्तों आपके लिए अगर स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो ये प्लेयर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आप ग्रैंड लीग की टीम में कुछ चेंज कर सकते हो, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी दोस्तों ओवरऑल आपको एक बैलेंस पिच देखने को मिलने वाली, जो कि बैट्समैन प्लस बॉलर दोनों को फेवर करती है। और दोस्तों पिच के रिगार्डिंग अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो चीज मैं आपको बाद में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पर क्लिक करके आज से ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं टॉप पिक्स फ्रॉम अफगानिस्तान। टॉप पिक्स यानी दोस्तों वो प्लेयर जिनको मैक्सिमम पब्लिक सेलेक्ट करेगी, और दोस्तों वो प्लेयर जिनका रिसेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तरफ से टॉप पिक्स, तो सबसे पहला नाम है रहमानुल्ला गुरबाज, जो कि विकेटकीपर बैट्समैन है, ओपनिंग करने आते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। दूसरा नाम दोस्तों हमारे पास है नजीबुल्ला जादरान, जो कि 3 या 4 नंबर बैटिंग करने आते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। तीसरा नाम दोस्तों हमारे पास है हजरतुल्ला जजाई, जो कि ओपनिंग करते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। चौथा नाम दोस्तों हमारे पास है मोहम्मद नबी, जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं और 6 नंबर पर बैटिंग करने आ सकते हैं। पांचवा नाम दोस्तों हमारे पास है राशिद खान, और छठा नाम है मुजीबुर रहमान। यानी दोस्तों ये जो 6 प्लेयर है इनको मैक्सिमम पब्लिक सेलेक्ट करेगी यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम की तरफ से, क्योंकि दोस्तों इन प्लेयर का रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा है, और ये प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। दोस्तों ये प्लेयर इंपॉर्टेंट इसीलिए रह सकते हैं क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा है और मैक्सिमम पब्लिक को इन प्लेयर के बारे में पता है। लेकिन दोस्तों 3-4 ऐसे प्लेयर भी है जो आपके लिए ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर। देखो दोस्तों अगर आपको अच्छी टीम बनानी है तो आपके लिए बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रहमानुल्ला गुरबाज और हजरतुल्ला जजाई, और 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं उस्मान गानी। एंड दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से ये 3 प्लेयर आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से मिडिल ऑर्डर कमान संभालेंगे द्वाराशीष रसूली, नजीबुल्ला जादरान, मोहम्मद नबी और अजतुल्ला उमरजाई। उसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से बॉलिंग की कमान संभालेंगे राशिद खान, करीम जन्नत, फजल फारूकी या नवीन उल्लक में से कोई एक खेल सकता है, निजत मसूद या फिर फरीद अहमद मलिक में से कोई एक खेल सकता है। एंड दोस्तों मैक्सिमम चांस ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 रह सकती है अफगानिस्तान की तरफ से। अब दोस्तों मैंने आपको सेफ चॉइस ऑलरेडी बता दी थी, आर गुरबाज है, हजरतुल्ला जजाई है, नजीबुल्ला जादरान है, मोहम्मद नबी है, राशिद खान है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुजीबुर रहमान खेलते तो मुजीबुर रहमान सेफ चॉइस रह सकते हैं। मुजीबुर रहमान ना खेले उस केस के अंदर नवीन उल्लक सेफ चॉइस रह सकते हैं, फरीद मलिक सेफ चॉइस रह सकते हैं। ये दोस्तों की सेफ चॉइस। अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो आपके लिए उस्मान गानी
ग्रेन लीग का टॉप पिक रह सकता है, 3 या 4 नंबर बैटिंग करने आ सकता है। द्वारशीष रसूली इंपॉर्टेंट रह सकता है उसका। दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम में आपके लिए अजमतुल्ला उमर जजाई रह सकता है, जो कि काफी कम सिलेक्शन होगा, आपको बॉलिंग सेक्शन में देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों प्लेयर बैटिंग भी कर सकता है। अब दोस्तों ये तो होगी बेसिक ग्रैंड लीग की बात। अगर आप ग्रैंड लीग की डीप टीम बनाओ तो कैसे बना सकते हो कि आपको पता है कि अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्ला जजाई ये दोनों ओपनिंग करने आएंगे और इन दोनों प्लेयर का सिलेक्शन 80%+ रहने वाला है इस मैच के अंदर। तो आयरलैंड की तरफ से स्टार्टिंग में पार्क प्लेइंग बॉलिंग करने आएंगे क्रैग यंग, मार्क आदिर, जोशुआ लिटिल, ये तीनों प्लेयर पार्क प्ले के अंदर बॉलिंग करने आएंगे। अब देखो दोस्तों कि आयरलैंड की टीम का आप मानो ना मानो, आयरलैंड का बॉलिंग अटैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्टार्टिंग के अंदर क्रैग यंग, मार्क आदिर, जोशुआ लिटिल काफी कमाल की बॉलिंग करते हैं, और अगर हम मान के चले कि यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग कर रही है और उस केस के अंदर आयरलैंड के ये बॉलर इनको आउट करके ले जाते हैं दोनों टॉप प्लेयर को, तो हो सकता है कि यहाँ पे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो अगर आप एक ग्रैंड लीग की टीम में इन तीनों बॉलर को अपनी टीम में ले रहे हो तो आप रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जाई दोनों को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, और आप इन दोनों को ड्रॉप करने का रिस्क लो उस केस के अंदर आप यहाँ पे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन उस्मान गानी, द्वारशीष रसूली और नजीबुल्लाह जादरान के साथ जा सकते हो। अगर आपका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता तो आप ऑलरेडी 80% लोगों को बीट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अजमतुल्ला जजाई ग्रैंड लीग का अच्छा ऑप्शन है, करीम जन्नत ग्रैंड लीग का अच्छा ऑप्शन है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, अगर आयरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करे तो यहाँ पे आप इन तीनों में से किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्रैग यंग, मार्क आदिर और जोशुआ लिटिल। अब देखो दोस्तों सबसे खास बात क्या है कि क्रैग यंग का सिलेक्शन अच्छा होगा, जोशुआ लिटिल का सिलेक्शन अच्छा होगा, लेकिन दोस्तों मार्क आदिर ने 46 मैचों में 65 विकेट लिए, T20 में राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करता है। अभी तक रिसेंट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन दोस्तों प्लेयर आपके लिए कमाल का परफॉर्मेंस दे सकता है, आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं टॉप पिक्स फ्रॉम आयरलैंड। देखो दोस्तों आयरलैंड की तरफ से टॉप पिक्स यानी वो प्लेयर जिनको मैक्सिमम पब्लिक सेलेक्ट करेगी, सबसे पहला नाम है लोरकेन टकर, विकेटकीपर बैट्समैन है, 3 या 4 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं। पॉल स्टीलिंग ओपनिंग करते हैं, हैरी टेक्टर 3 या 4 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, क्रिस कैंपर राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 5 या 6 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, क्रैग यंग राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, जोशुआ लिटिल लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। ये जो 6 प्लेयर दोस्तों इनका सिलेक्शन मैक्सिमम रहने वाला है आयरलैंड की तरफ से, यानी ये प्लेयर टॉप पिक्स है। अगर आप स्मॉल लीग की टीम बनाओ तो आप इनमें से किसी को अपनी टीम में ले सकते हो, लेकिन दोस्तों ग्रैंड लीग के अंदर आपके लिए 3-4 प्लेयर और है जिनका सिलेक्शन कम होगा लेकिन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों हम प्लेइंग 11 देख लेते हैं। देखो दोस्तों अगर हम बात करें आयरलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर के बारे में, तो आयरलैंड की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे पॉल स्टीलिंग और एंड्रयू बेलब्रिन, और 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, या तो लोरकेन टकर आएंगे या ग्रेथर डेलेनी आएगी। हालांकि दोस्तों लास्ट मैच 2-3 मैचों में लोरकेन टकर आए थे 3 नंबर बैटिंग करने और काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि पॉल स्टीलिंग, एंड्रयू बेलब्रिन और लोरकेन टकर आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आयरलैंड के लिए मिडिल ऑर्डर कमांड संभालेंगे हैरी टेक्टर, क्रिस कैंपर, जोश डोकरेल और ग्रेथर डेनाली। उसके बाद दोस्तों बॉलिंग की कमांड संभाल सकते हैं मार्क आदिर, क्रैग यंग, जोशुआ लिटिल, बैरी मैकराती, और उसके बाद दोस्तों क्रिस कैंपर भी कुछ और की बॉलिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको सेफ चॉइस ऑलरेडी बता दी है, क्योंकि आपको पता कि पॉल स्टीलिंग सेफ है, हैरी टेक्टर सेफ है, लोरकेन टकर सेफ है, यहाँ पे क्रैग यंग सेफ है, जोशुआ लिटिल सेफ है, और उसके बाद क्रिस कैंपर सेफ है। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ यहाँ पे आप ग्रेथर डेनली को मौका दे सकते हो सकता है प्लेयर 3 नंबर बैटिंग करने आए और अच्छी स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है। दूसरा दोस्तों ग्रैंड लीग का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकता है जोश डोकरेल, हालांकि दोस्तों बैटिंग से इतना कमाल नहीं कर पाया लेकिन पिछले कुछ मैचों में लगातार इस प्लेयर ने एक दो विकेट निकाले हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकता है मार्क आदिर। अगर दोस्तों यहाँ पे आयरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करे उस केस के अंदर आप ग्रैंड लीग की एक टीम में इस प्लेयर को कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, हालांकि सिलेक्शन बहुत कम रहेगा क्योंकि रिसेंट रिकॉर्ड इतना खराब है, लेकिन दोस्तों इस प्लेयर ने T20 इंटरनेशनल में 46 मैचों में 65 विकेट चटकाए, आपको चीज ध्यान में रखनी है। और उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट ग्रैंड लीग की पिक है बैरी मैकराती, जो कि ये प्लेयर भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बात और बता दूं कि अफगानिस्तान की टीम गई है आयरलैंड के होम ग्राउंड पे खेलने, तो आप ग्रैंड लीग में अगर आयरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करे तो आप 7-4 का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, जिसमें 7 प्लेयर आप आयरलैंड के ले सकते हो, 4 प्लेयर अफगानिस्तान के ले सकते हो। थोड़ा रिस्की कॉम्बिनेशन अगर आप एक आधी टीम में ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, अगर इस प्लेइंग 11 में कोई 1 या 2 चेंज होगा तो वो चीज़ मैं आपको बाद में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पर क्लिक करके आज से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम करते हैं प्लेयर कंपैरिजन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्लेयर कंपैरिजन करने वाले सेक्शन वाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे विकेटकीपर सेक्शन के बारे में। विकेटकीपर दोस्तों हमारे पास आयरलैंड की तरफ से लोरकेन टकर 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, 6 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, 37 मैचों में 545 बनाए 18.17 के एवरेज से। उसका दोस्तों हमारे पास स्टीफन डवानले, अभी तक मौका नहीं मिला है। वहीं दोस्तों हमारे पास अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज ओपनिंग करते हैं, 22 मैचों में 568 बनाए 25.62 के एवरेज से। और उसका दोस्तों अफसर जजाई ओपनिंग करने आ सकते हैं, लेकिन अभी तक इतना मौका नहीं मिला है। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो फर्स्ट चॉइस लोरकेन टकर, सेकंड चॉइस रहमतुल्ला गुरबाज, ये दोनों प्लेयर आपकी स्मॉल लीग की टीम में फिक्स रहने वाले हैं। रीजन क्या, दोनों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे और दोनों यहाँ पे आपके लिए विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे।
लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे आयरलैंड की तरफ से मार्क आदिर जोशुआ लिटिल और क्रेग यंग तीनों के कोम्बो के साथ जा रहे हो ग्रैंड लीग के अंदर, तो आप कुछ टीमों में रहमानुल्ला गुरबाज को ड्रॉप करके अकेले लोरकन टकर के साथ जा सकते हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैट्समैन के बारे में। देखो दोस्तों बैट्समैन हमारे पास आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टेलिंग ओपनिंग करते हैं 109 मैचों में 2940 रन बनाए 29.11 के एवरेज से। एंडी बलब्रिन ओपनिंग करते हैं 73 मैचों में 1535 रन बनाए 22.91 के एवरेज से। हैरी टेक्ट्री दोस्तों यहाँ पे 3 या 4 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं और जोर डोकलेट दोस्तों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं 6 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं। वहीं दोस्तों हमारे पास अफगानिस्तान की तरफ से नजीबुल्ला जादरान 4 या 5 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं। हजरतुल्ला जजाई ओपनिंग कर सकते हैं। उस्मान गानी 3 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं। अगर आई जादरान खेलते तो 4 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं। डी रसूली और एच साइदी में से जो भी खेलेगा वो 3 या 4 नंबर बैटिंग करने आ सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो फर्स्ट चॉइस आपके लिए है हजरतुल्ला जजाई, सेकंड चॉइस है नजीबुल्ला जादरान। वहीं दोस्तों आपके लिए आयरलैंड की तरफ से फर्स्ट चॉइस है पॉल स्टेलिंग और सेकंड चॉइस है हैरी टेक्टर। ये जो 4 प्लेयर है ये आपके लिए फिक्स रहने वाले हैं स्मॉल लीग के अंदर। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पे पॉल स्टेलिंग को मैक्सिमम पब्लिक सेलेक्ट करे क्योंकि रिसेंट रिकॉर्ड ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों एंड्रयू बेलब्रिन को बहुत कम बंदे सेलेक्ट करेंगे, तो आप ग्रैंड लीग की टीम में इस प्लेयर को मौका दे सकते हो, उसका सिलेक्शन कम होगा लेकिन ओपनिंग करने आता और कैप्टन है आयरलैंड की टीम का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जोश डोकरेल है, वो बैटिंग से तो पिछले कुछ मैचों में कमाल नहीं कर पा रहे लेकिन दोस्तों बॉलिंग से एक आधा विकेट निकाल रहे हैं। वही दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से आपको बता दूं कि आप हजरतुल्ला जजाई को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो अगर आप मार्क आदिर क्रेग यंग और जोशुआ लिटिल इन तीनों के कॉम्बो के साथ जा रहे हो। अगर आप एच जजाई को ड्रॉप करो तो आप एन जादरान और उस्मान गानी को मौका दे सकते हो, और उस्मान गानी ना खेले उस केस में आप आई जादरान डी रसूलिया एच साइदी में से जो भी खेले उसको मौका दे सकते हो। बाकी दोस्तों आप ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। तो हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर के बारे में। देखो दोस्तों ऑलराउंडर मेरे पास आयरलैंड की तरफ से ग्रेथर डेनाली जो कि मोस्ट प्रोबली 3 नंबर बैटिंग करना थे तो पहले, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ मैचों में लोरकन टकर 3 नंबर बैटिंग करने आए तो यहाँ पे डेनाली 6 नंबर पे शिफ्ट हो गए। अब हो सकता है डेनाली 3 नंबर बैटिंग करने आए, हो सकता है लोरकन टकर 3 नंबर बैटिंग करने आए, तो ये चीज मैं आपको बाद में टेलीग्राम पर बता दूंगा कि कौन सा प्लेयर 3 नंबर बैटिंग करने आएगा। ये प्लेयर राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करता है, 44 मैचों में 711 रन बनाए और 23 विकेट चटकाए। उसके बाद क्रिस्ट कैम्फर राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 17 मैचों में 250 रन बनाए 16 विकेट चटकाए। उसके बाद एंडी मैकब्रिन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। वहीं दोस्तों हमारे पास अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी 6 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, 90 मैचों में 1606 रन बनाए 76 विकेट लिए। करीम जन्नत राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, 36 मैचों में 345 रन बनाए और 31 विकेट लिए। अजमतुल्ला उमर जजाई राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 5 मैचों में 31 रन बनाए और 5 विकेट लिए, और इस प्लेयर का सिलेक्शन तो बहुत ही कम रहने वाला, तो ग्रैंड लीग की ऑटोमेटिक टॉप मोस्ट पिक रह सकता है और यह प्लेयर आपको पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करते हुए दिख सकता है। अगर आप आयरलैंड के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पॉल स्टेलिंग और एंड्रयू बेलब्रिन में किसी को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो अपनी टीम के अंदर, तो आप अमृतुल्ला जजाई को मौका दे सकते हो। ग्रैंड लीग की एक टीम के अंदर थोड़ा रिस्की रह सकता है। अगर दोस्तों हम बात करें सेफ चॉइस फॉर स्मॉल लीग तो मोहम्मद नबी सेफ है और ग्रेथर डेनाली सेफ है, दोनों सेफ आपके लिए। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो आप क्रिस कैम्फर को मौका दे सकते हो, ग्रैंड लीग की टीम में आप करीम जन्नत को मौका दे सकते हो और अजमतुल्ला और उमर जजाई को भी मौका दे सकते हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलिंग के बारे में। देखो दोस्तों बॉलिंग हमारे पास आयरलैंड की तरफ से क्रेग यंग राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 52 मैचों में 55 विकेट चटकाए। मार्क आदिर राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 46 मैचों में 65 विकेट लिए। जोशुआ लिटिल लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 41 मैचों में 44 विकेट लिए और बैरी मैकार्थी राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। वही दोस्तों हमारे पास अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 61 मैचों में 109 विकेट लिए। मुजीब उर रहमान राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 53 मैचों में 32 विकेट लिए। निजत मकसूद है ये राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 24 मैचों में 25 विकेट लिए। फजल फारूकी या फरीद मलिक में से कोई एक खेल सकता, जो भी खेले वो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करने वाला है। सबसे पहली बात दोस्तों अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बनाए तो फर्स्ट चॉइस है राशिद खान, सेकंड चॉइस है क्रेग यंग, थर्ड चॉइस है जोशुआ लिटिल और फोर्थ चॉइस है मार्क आदिर। ये 4 प्लेयर तो फिक्स रहने वाले स्मॉल लीग की टीम के अंदर। अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ और अगर अफगानिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करे तो यहाँ पे आप एफ मलिक और एफ फारूकी में से जो भी खेले उसको ग्रैंड लीग की टीम में मौका दे सकते हो। अगर इसमें से किसी को जो भी खेले उसको मौका दो, उस केस के अंदर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ऑफ आयरलैंड आप ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि ये प्लेयर भी कमाल की बॉलिंग करते हैं। उसके बाद एक चीज और, अगर नवीन उल हक खेले तो प्लेयर आपके लिए मस्ट पिक रह सकता है। और दोस्तों सबसे खास बात, आप ग्रैंड लीग की टीम में राशिद खान को कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं टीम और टिप्स की। दोस्तों मैंने यहाँ पे ड्रीम 11 की टीम बनाई है, बाकी दोस्तों हर एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म की टीम मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। इस टीम में दोस्तों मैंने विकेट कीपर में लिया लोरकन टकन और आर गुरबाज को, बैटिंग में लिया पॉल स्टेलिंग एन जादरान हैरी टेक्टर एच जजाई को, ऑलराउंडर में लिया मोहम्मद नबी को, बॉलिंग में लिया क्रेग यंग मार्क आदिर राशिद खान और जोशुआ लिटिल को। देखो दोस्तों मैंने सेफ टीम बनाई है स्मॉल लीग के लिए।
अगर आपको ग्रैंड लीग की टीम चाहिए तो यहाँ पे आप एफ मलिक या एफ फरीद में से जो भी खेले उसको मौका दे सकते हो। ग्रैंड लीग की टीम में दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्रेग यंग, मार्क आदिर, जोसवाल इनमें से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे आप एच जजाई और आर गुरबाज में से किसी एक या दो को ड्रॉप करके यहाँ पे उस्मान गानी को मौका दे सकते हो, डी रसूली को मौका दे सकते हो, या फिर दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे आप पॉल स्टीलिंग को ड्रॉप करके एंडी मैकब्रेन को मौका दे सकते हो, क्रिस कैम्फर को मौका दे सकते हो। यानी आप छोटे छोटे चेंज कर सकते हो अलग अलग टीम के अंदर। अगर दोस्तों इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो सबसे दोस्तों ज्यादा पब्लिक यहाँ पे आयरलैंड के बॉलर के साथ जाएगी कैप्टन वाइस कैप्टन में। उसका दोस्तों आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन राशिद खान मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट टॉप पिक है। उसका दोस्तों यहाँ पे आप हैरी टैक्टर, लॉकन टक्कर या फिर आर गुरबाज में से मौका दे सकते हो। बाकी दोस्तों डेमो टीम है, जो भी चेंज होगा वो टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच होने वाले पहले T20 मैच की ड्रीम 11 टीम प्रिडिक्शन, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।